हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो एक शेयर से रिलेटेड है, जो कि छोटा सा शेयर है, मतलब 8 रुपये और 9 रुपये के लगभग का शेयर है, जिसने आज की डेट में काफ़ी अच्छी जंप मारी। और मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये शेयर काफ़ी अच्छा, मतलब 30 रुपीज़ के अंदर अंदर आने वाला है। मैं इस शेयर में से एक काफ़ी अच्छा शेयर है, जो फंडामेंटली अच्छा भी नज़र आता है, जिसका चार्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। तो उसी से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये शेयर में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। और ये शेयर है जो FMCG के बिज़नेस में भी उतरने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस शेयर में शायद आगे चल के बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, तो इसलिए इस शेयर पे नज़र रखना, और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आइए एक बार वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये 52 वीक लो, देखिए 24 मार्च को 3 रुपये का शेयर था। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो 52 वीक हाई देखते हैं तो 9 रुपये 80 पैसे के आसपास थे, और आज की डेट में लगभग इसी के आसपास ये शेयर आया भी है। और 32% की डिलीवरीज यहाँ पर उठाती हुई हमें दिखाई दे रही है। एज वेल एज मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो 71.84% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास है, जो कि जून क्वार्टर में 71.07% की थी। मतलब कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, 0.77%, कह सकते हैं कि लगभग 1% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है हमें इस क्वार्टर में। और पब्लिक के पास 28.16% की हिस्सेदारी है। कंपनी देखिए डिविडेंड भी देती है, अच्छा खासा डिविडेंड भी 2020 में भी दिया है, 2019 में भी दिया है, क्योंकि 8 रुपये के लगभग का शेयर 10 रुपये के नीचे का, तो इतना ही हम इससे डिविडेंड की अपेक्षा रख सकते हैं। और इन्होंने अपने फेस वैल्यू को मतलब डिवाइड स्प्लिट भी किया था, 10 रुपये का शेयर 1 रुपीज़ के फेस वैल्यू के साथ यहाँ पर स्प्लिट होता हुआ नज़र आया है। और हर साल मतलब 2019 में तो 2 बार इन्होंने डिविडेंड देते हुए नज़र आए। अगर यहाँ पर डेट प्लेस की बात की जाए तो कोई भी शेयर इनका प्रमोटर्स का प्लेज नहीं है, बल्कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ महीनों में शायद इस शेयर में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। तो जिस शेयर से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ, ओके, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं बता देता हूँ कि किस बिजनेस में आता है। देखिए ट्राइडेंट कंपनी का नाम है, तो ट्राइडेंट लिमिटेड आपको पता ही है, इज़ अ टैरी टावल यार्न एंड वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर, मतलब ये चीज में ये काम करती है। द कंपनी सेगमेंट इंक्लूड टेक्सटाइल्स, मतलब टेक्सटाइल्स में पेपर्स में एंड केमिक पेपर्स एंड केमिकल्स, पेपर्स की केमिकल्स एंड अदर्स, दूसरे और भी बहुत सारे बिजनेस है। और बताना चाहता हूँ, कुछ टाइम पहले कंपनी ने अनाउंस भी किया था FMCG के बिजनेस में हम उतरने जा रहे हैं, ओके। एंड द कंपनीज जियोग्राफिकल सेगमेंट इंक्लूड USA एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये कंपनी आती है। द टेक्सटाइल सेगमेंट इंक्लूड यार्न टावल बेडशीट एंड डाइड यार्न मैन्युफैक्चर, मतलब पेपर्स, ओके, एंड टेक्सटाइल से रिलेटेड इनका बिजनेस है, ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बेहतरीन ये बिजनेस, कंपनी ने इस बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट भी जनरेट किया, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाहते हैं। देखिए 2 सितंबर जून में क्या के मतलब 1000 लाख रुपीज़ के लगभग का बिजनेस था, जो कि प्रॉफिट था जो कि बढ़ते हुए कितना हो गया, 10,000, मतलब 10 टाइम्स यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो जो कि बहुत बेहतरीन बात है। और कंपनी के शेयर की बात करूँ तो देखिए ट्राइडेंट कंपनी, ओके, 8 रुपये 9 रुपये का शेयर है, जो अभी आज की डेट में 9.55 तक, मतलब 52 वीक हाई को लगभग लगभग टच ही कर दिया था इसने। और मेरे को जिस हिसाब से देखिए कुछ दिनों में यहाँ पर जो शरारतें हुई है ना, कह सकते हैं कि जो मूवमेंट्स हुई है, ओके, ये शेयर आगे कुछ ना कुछ करने वाला है और काफ़ी तेज भागने वाला है, और हमेशा ये आपको पॉजिटिविटी दिखाएगा कि पॉजिटिव ही ये शेयर है। देखिए छोटा शेयर है, ओके, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसलिए इस शेयर में आपको डिस्क्लेमर है ये मेरी तरफ से कि ये शेयर आपको काफ़ी वॉलेटाइल नज़र आएगा, भागेगा तो बहुत तेज भागेगा, गिरेगा तो उसी के तेज गिरेगा भी। और देखिए यहाँ पर लगभग 3 गुना पैसा आपको बढ़ा दिया है मार्च के बाद से अभी तक भी। अगर हम देखें 3 रुपये का शेयर था, लगभग 9 रुपये का शेयर ये अभी चल रहा है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, देखिए चार्ट पैटर्न हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो समझ लीजिए कि कंपनी में कोई ना कोई बात है। 50 पैसे का शेयर, मतलब 50 पैसे का शेयर अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, 50 पैसे के शेयर्स में हम अगर ये यहाँ पर मैक्सिमम की बात की जाए तो लगभग 69% के रिटर्न
यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहे हैं। तो इस शेयर को हम देख सकते हैं, और वॉलेटिलिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पर स्प्लिट हुआ था, सॉरी, 60 रुपये पे ये स्प्लिट हुआ था 2019 में, जो कि मैंने आपको अभी दिखा ही दिया है कि कब ये स्प्लिट हुआ था 2019 में। तो ये कंपनी की तरफ आप ध्यान रखना। एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखिए, मार्केट कैपिटल 4586 करोड़ रुपए का है। ओके, पी 23 के पी पे चल रहा है, जहाँ मार्केट 36 के पी पे चल रहा है। प्रॉस की बात किया, देखिए कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट, देखिए रिड्यूस कर रही है अपनी डेट को। ओके, डिविडेंड यील्ड 4% का है। ओके, एज वेल एज हम बात के ये प्रोमोटर्स होल्डिंग, यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, कितने 0.77% की अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है प्रोमोटर्स ने। आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देख लेते हैं, तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, ओके, 2018 से 1136, 1400, ओके, 1304 करोड़, 1400 करोड़, और पिछले मार्च, और अगर हम देखें यहाँ मार्च, दिसंबर में देखें, मार्च में देखें और जून में देखें, देखिए काफ़ी कम थे, बट सितंबर में इन्होंने काफ़ी अच्छी सेल्स करी है। और इसी के साथ एक्सपेंस तो रहेगा ही रहेगा। अगर प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो देखिए पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और लगभग 106 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें आज तक की, तो देखिए हर यहाँ पर मार्च 2020 में 4728 करोड़ रुपये की सेल्स थी, और अभी तक अगर बात की जाए तो 3956 करोड़ रुपये की सेल्स है। एक्सपेंस की बात की जाए तो इतना एक्सपेंस है। अगर हम सीधे नेट प्रॉफिट पे आते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको वैसे बताया भी है, ईयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 372 था, फिर 340 करोड़ हुआ। ओके, जो कि बढ़ते हुए मैनर में है। देखिए नेट प्रॉफिट हमेशा इनका बढ़ते हुए मैनर में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अभी तक का जो प्रॉफिट है 193, मतलब इस साल का प्रॉफिट है। जो अगले क्वार्टर पूरे ईयर की बात करेंगे, तो वो ये फिगर लगभग इतना या इससे ज़्यादा होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो आइए और भी देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो रिजर्व देखिए, कंपनी के रिजर्व 244 करोड़ से लेके अभी लगभग 2700 करोड़ रुपये के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि मल्टी बैगर रिजर्व कह सकते हो। बोरिंग की बात करूँ, तो देखिए कंपनी की बोरिंग्स धीरे 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 काफ़ी बढ़ती जा रही थी, और बट कंपनी ने मार्च 2019 से थोड़ी सी कम करी, मार्च 2020 में 1984, और अभी लगभग हाफ कर दी है विद इन 6 मंथ। कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी जो बोरिंग है लगभग हाफ कर दिया, 895 करोड़ की अभी बोरिंग है, जो कि काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के पास 5000 करोड़ रुपये के आसपास के टोटल एसेट भी है। ओके, एंड अगर हम बात करें प्रमोटर्स की, तो जैसे कि मैंने बताया प्रमोटर्स से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जून में 71.07% की हिस्सेदारी थी। ओके, मार्च में 71.06 थी, पहले यहाँ पर 0.01% बढ़ाई, और अभी 0.77% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने अभी इस सेप्टेम्बर क्वार्टर्स के आसपास यहाँ पर बढ़ा ली है। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए लगभग 1.6% की हिस्सेदारी, DIS 0.02% की, गवर्नमेंट 0.92% की, और पब्लिक की बात की जाए तो 25.61% की हिस्सेदारी पब्लिक यहाँ पर रखती है। तो प्रमोटर्स ने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, एज वेल एज FMCG के बिजनेस में भी आ रही है ये कंपनी, और इनका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप इस कंपनी को और भी सर्च कर सकते हैं। ओके, प्रॉफिट में ये कंपनी जा रही है, पिछले 2-3 क्वार्टर से जो लॉस में जा रही थी प्रॉफिट में आ गई है। शेयर चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स, एज वेल एज हमें ये शेयर भागते हुए नजर आएगा। जैसे कि अभी वक्रांगी, हम जैसे कि कल वीडियो मैंने बनाई थी वक्रांगी की, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे 30 रुपये में मैंने वीडियो बनाई थी, और कैसे अभी 51 पर आ गया था, और अभी 46 पे आज चल रहा है। ऐसे ट्राइडेंट भी शायद भाग सकता है, और मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई थी, तब उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगी, आप उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। और अगर आप इसे वॉच लिस्ट में रखिए, इसके फंडामेंटल्स आप खुद भी थोड़ा बहुत देखिए, आप इसे कंपनी के बारे में जानिए, एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा इस वीडियो को, और हमारे इस चैनल जो कि आपका खुद का चैनल है बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।